हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ अजय सिंह वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू टेकिंग न्यू वीडियो दैट इज रिलेटेड टू क्लास एट टाइम एंड वर्क। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो वी हैव टू सॉल्व सब क्वेश्चंस एंड वी हैव टू टोल्ड हाउ टू वर्क विद टाइम एंड वर्क को रिलेट। तो डियर स्टूडेंट, लिसन केयरफुली ईच एंड एवरीथिंग दैट वी हैव टू टॉट हियर, क्लियर? तो कंसंट्रेट योर माइंड डियर स्टूडेंट्स, कोशिश करिएगा मेरी बातों को समझने की, और समझ में आ जाए तो मजा आप लीजिएगा। पढ़ाई करना आपका बहुत जरूरी है बेटा। इस पेंडेमिक पीरियड में अगर हम लोगों ने इस तरीके से मेहनत करके आप लोगों के लिए इस तरीके के वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये आपका सौभाग्य और मेरा भी सौभाग्य ही है कि हम आप लोगों को बिना देखे सब कुछ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कोशिश करिएगा इसको समझने की, और हर चीजों को समझते चलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें कराए थे, कुछ और आपको कराते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 हम इसका कराने चल रहे हैं। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 7 पढ़ा लिया जाए, क्या है? ए बी एंड सी वर्किंग टूगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 8 आवर। बेटा ए बी और सी तीन लोग हैं, वो तीनों मिलकर के किसी काम को 8 आवर में कंप्लीट कर देते हैं। तो उनका वन डे वर्क कितना होगा? 1/8। ऐसे कर लीजिएगा डायरेक्टली, ए प्लस बी प्लस सी वन डे वर्क क्या हो जाएगा? टोटल 8 दिन में करते हैं तो 1 दिन में 1/8 पार्ट करेंगे। और फिर क्या कहा है बेटा कि ए अलोन कैन डू इट इन 20 आवर ना। तो ए अलोन वन डे वर्क निकाल लेना, वन डे वर्क क्या हो जाएगा? 1/20, क्लियर? और बी अलोन 24 आवर, तो बी अलोन वन डे वर्क इक्वल टू हो जाएगा 1/24। तो पूछा है सी एलोन कितने दिन में खत्म करेगा। तो बेटा सी एलोन का वर्क निकालना होगा, सी एलोन वन डे वर्क अगर निकालना हो तो क्या होगा? हा? आप समझ रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी वन डे वर्क माइनस ए प्लस बी वन डे वर्क। ऐसा अगर आप कर लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो कैसे करेंगे बेटा? ए प्लस बी प्लस सी वन डे वर्क कितना है? 1/8, और माइनस 1/20 प्लस 1/24, क्लियर? अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसका कितना होगा एलसीएम, है ना, 1/20 और 1/24 का। आपको बता दें आ जाएगा आपका 1/8 माइनस इसका एलसीएम आएगा 120, है ना। तो 25 जा 26 जा 120 और 24 5 जा 120, ये आ गया ऐसा। यानी कि आ जाएगा 1/8 माइनस 11/120 ऐसा आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बेटा, ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्या आ जाएगा? 120 एलसीएम आएगा। तो 8 15 जा होता है, 15 माइनस 11/120 आ जाएगा, हो जाएगा कितना? 4/120, है ना। 4 1 जा 4 4 3 जा 12, यानी कि 1/30 आया वन डे वर्क। 1/30 पार्ट वो करता है एक दिन, सॉरी वन डे है या आवर है ये आप देख लीजिएगा, क्या है? आवर है, सॉरी बेटा ये वन डे नहीं है, वन आवर है, सॉरी इसको आप अच्छे से समझ लेना, सॉरी फॉर दिस, वेरी वेरी सॉरी। ये आवर है, इसको आवर लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जहां डे है वहां आवर लिखने का है, क्लियर? आवर यहां भी आप लिख लीजिएगा, आवर यहां भी लिख लीजिएगा, आवर, क्लियर?
इतना फॉल्ट काम कर लेगा वो कितने दिन में, एक दिन में। सी अकेले 1/30, तो होल वर्क मैंने बताया था, होल वर्क फिनिश बाय ए इक्वल टू हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल बेटा, 30/1 आवर। मतलब क्या हो जाएगा, 30 आवर में सी अकेले, होल वर्क फिनिश बाय सी, सॉरी सी इक्वल टू हो जाएगा 30 आवर। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लिया कीजिएगा तो आपको और अच्छा लगेगा। होप आप इसको समझ गए होंगे और नोट भी कर लिए होंगे, ध्यान से देख के इसको नोट कर लिया कीजिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, ध्यान से देखिएगा, पीडीएफ में भी कुछ क्वेश्चन आपको भेज दिए जाएंगे। अभी आप हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, समझिएगा, क्वेश्चन को समझेंगे तभी आपको समझ में भी आएगा, हमें समझ में तो आ ही रहा है। अब आप ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज। तो आप लिख लीजिए, अगर ए किसी काम को 14 डेज में करता है तो वन डे में कितना करेगा, वन डे वर्क ऑफ ए इक्वल टू 1/14। समझ रहे होंगे, वन कितने दिन में करता है, 14 डेज में, तो 1/14 हो जाएगा। एंड बी कैन डू इट इन 21 डेज, तो वन डे वर्क ऑफ बी क्या हो जाएगा, 1/21। क्लियर, समझ में आ रहा है, पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा 21। दे बिगेन टूगेदर एंड वर्क 7 डेज, तो ए प्लस बी वन डे वर्क निकालो बेटा, ए प्लस बी यानी एक साथ काम करेंगे तो ए प्लस बी हो जाएंगे, ए प्लस बी वन डे वर्क क्या हो जाएगा, आप समझदार हैं, 1/14 + 1/21। आप बताओ इसका एलसीएम क्या आएगा, 84 आ सकता है, देखते हैं, 14 6 जाए 84 और 21 4 जाए 84, तो क्या हो जाएगा, ये 10/84 आ जाएगा। इसको चाहो तो आप छोटा भी कर सकते हो ना, किस कैसे कैसे, 2 5 जा 10 2 42 जा यानी कि आ गया कितना बेटा, 5/42। पार्ट उन्होंने ए प्लस बी ने क्या कर दिया, खत्म किया कितने दिन में, एक दिन में। तो 7 डेज वर्क निकाल लो, 7 डेज वर्क आप ए प्लस बी निकाल लो, क्या हो जाएगा, 7 × 5/42। भाई एक दिन में इतना करता है तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 6 जा 42। अब आपको पता चल गया कि 5/6 पार्ट उन्होंने कर दिया ए प्लस बी ने, अब इतना काम तो उन्होंने फिनिश कर दिया 7 दिन में, तो रिमेनिंग वर्क निकालो बेटा, अब पूरा काम तो एक ही होता है ना, तो रिमेनिंग वर्क क्या होगा, रिमेनिंग वर्क इक्वल टू हो जाएगा 1 - 5/6। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 6 - 5/6 इक्वल टू 1/6। ये समझ में आ गया, मतलब ये इतना काम बचा रह गया, इस बचे काम को क्या हुआ, ए बीमार पड़ गया। अब 7 दिन काम करने के बाद दोनों साथ साथ काम किए, 7 दिन बाद ए बीमार हो गया, ए फेल इन, बीमार हो गया, देन फिनिश रिमेनिंग वर्क बाय बी, बी के द्वारा फिनिश किया गया, तो बेटा बी कितने दिनों में खत्म करेगा, तो वर्क फिनिश बाय बी वर्क, यानी कि रिमेनिंग वर्क कहो बेटा, रिमेनिंग वर्क फिनिश बाय बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, समझदार के लिए इशारा काफी होता है, बचा हुआ काम को डिवाइड कर दो बी के 1 डे के काम से,
क्लियर, बहुत अच्छी बात है। तो 1/6 इंटू 21/1 3 2 6 और 3 7 21। अब आप देख रहे होंगे 7/2 आया, इसको क्या लिख सकते हैं 3 whole 1/2 डेज में कंप्लीट कर देगा कौन भी अकेले उस बचे हुए काम को कितने दिन में खत्म कर देगा 7 3 whole 1/2 डेज या 7/2 डेज में फिनिश कर देगा। अब आप इसको समझेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, कोशिश करिएगा इसको समझने की। अब बात करते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 11 की। 9 हो गया ना, 10 को छोड़ दिया, 11 की बात करते हैं। 11 को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, आपको अच्छा लगेगा तो फिर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। भविष्य में हो सकता है कुछ इसका मुझे फायदा मिले, लेकिन अभी तो कुछ नहीं, लेकिन आपके लिए मैं कार्य अनवरत करता रहूंगा, चाहे मुझे इससे कोई प्रॉफिट हो चाहे कुछ हो या ना हो, लेकिन आप कोशिश करिएगा पढ़ने की, कोशिश करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा आपको। सीरियसली बेटा जो भी चीजें आपको इसमें पढ़ाई जाए उनको ईमानदारी से पढ़ते रहोगे तो आपका फायदा और मेरा भी फायदा है कि बच्चे हमारे पढ़ेंगे और पढ़ेगा इंडिया, तभी बढ़ेगा इंडिया। टैप ए कैन फिल अ टैंक इन 8 मिनट। देखो टैप ए 1 मिनट वर्क क्या हो जाएगा, ऐसे देखो पार्ट ऑफ टैंक फिल बाई टैप ए इन 1 मिनट इक्वल टू हो जाएगा 1/8, क्योंकि पूरा वो 8 मिनट में भर देता है, इसको समझ लीजिएगा। आउटलेट बी कैन एम्प्टी द टैंक इन 12 मिनट। एक इसमें बाहर की तरफ छेद करके एक टैंक लगाया गया जो इसमें से पानी भी निकाल रहा है, वो कितने मिनट में खाली कर देता है भाई, 6 कितने मिनट में, 12 मिनट। तो पार्ट ऑफ टैंक क्या कर दिया जाता है, इम्प्टी, बाय टैप बी इन 1 मिनट इक्वल टू हो जाएगा 1/12। शायद 12 मिनट में करता है पूरा खाली, तो 1 मिनट में करेगा 1/12। इफ बोथ आर केप्ट ओपन तो टैप कितने दिन में, कितनी देर में भरेगा, मतलब क्या टैप कितनी देर में टैंक को भर देगा। तो टैंक फिल इन मिनट इक्वल टू क्या करेंगे बेटा, जो भर रहा है उसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो 1/8 - 1/12 कर देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये भरता रहेगा, ये खाली करता रहेगा, तो जितना भरेगा उसमें से कुछ 1/12 पार्ट ये खाली करता रहेगा, तो ये क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। एलसीएम क्या आएगा इसका, 24 लेने के चाहिए, हाँ यस, ये 1 मिनट या इन आ मिनट यहां लिख लेना, आ मिनट, तो 8 3 24 12 2 24 यानी 1/24 मिनट में क्या हो जाएगा, 1 मिनट में 1/4 24 पार्ट ये भर देगा। यहां पर लिख लेना पार्ट ऑफ टैंक, तो आपको समझ में आ जाएगा पार्ट ऑफ टैंक फिल इन अ मिनट 1/24। तो होल टैंक बेटा कब भरेगा, होल टैंक फिल इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/1/24 अब 24 ऊपर चला जाएगा, तो 24 मिनट में ये पूरा का पूरा टैंक फिल हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे अच्छा से समझ में आ रहा है कि आपको आ रहा है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 का, देखिएगा 13 अगर आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 13 कोशिश करिएगा आएगा, क्यों नहीं आएगा, जब तक हम हैं, जब तक जान है, जहान है,
तब तक हम इसको करते रहेंगे, बस इतना ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हमने बात किया 13 की, तो चलिए 13 भी कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 125 मीटर, सॉरी देखो क्या दिया है, द स्पीड ऑफ अ ट्रेन 125 मीटर लॉन्ग इज 45। स्पीड ऑफ ट्रेन दिया है बेटा, ध्यान से समझना, स्पीड ऑफ ट्रेन दिया है 45 किलोमीटर पर आवर। तो पहले बेटा इसका स्पीड मीटर पर मिनट में चेंज कर लो, स्पीड इन मीटर पर मिनट, स्पीड इन मीटर पर मिनट। अब आप जानते हो एक किलोमीटर 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, तो 45 किलोमीटर में क्या हो जाएंगे, 45,000, और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, है ना, होते हैं ना, जीरो से जीरो कट जाएगा और बचेगा क्या, 3 2 6 3 15 3 0 0, यानी आ गया 150/2, कह सकते हैं 75 मीटर पर मिनट इसकी स्पीड हो गई, 75 मीटर पर मिनट। ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेशन समझ लीजिएगा, जीरो से जीरो कट गया है ना, 750 सॉरी बेटा 750 आएगा, ये 1500 आएगा ना, जीरो तो ही कटेगा, एक ही जीरो कटा, 3 2 6 3 15 जा और 2 0 इसके साथ साथ आया कितना, 1500/2 यानी कि 750 मीटर पर मिनट, 750 मीटर पर मिनट इसकी स्पीड आ गई। जबकि बेटा लेंथ ऑफ ट्रेन कितना दिया है, लेंथ ऑफ ट्रेन इसको ईमानदारी से समझना, 125 मीटर, मीटर पर मिनट में क्यों किया, क्योंकि हमें डिस्टेंस मीटर में ही मिलने वाली है। अब ध्यान से देखो बेटा, और प्लेटफार्म का लेंथ कितना है, लेंथ ऑफ प्लेटफार्म जिसको पार करना है, प्लेटफार्म इक्वल टू दिया है 625 मीटर। अब बेटा ट्रेन को समझने की जरूरत है, अब सोचो ये प्लेटफार्म है और ये हमारी 125 मीटर क्या है, ट्रेन है, और ये हमारा प्लेटफार्म है 625। ट्रेन को बेटा यहां से ये चलेगी यहां से, और पूरा का पूरा डिस्टेंस ये कवर करेगी प्लस ये, यानी इन दोनों का जो इस लेंथ है 125 प्लस 625, जब तक इसका आखिरी छोर यहां तक नहीं पहुंच जाएगा तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि ट्रेन क्रॉस कर गई। तो डिस्टेंस टोटल जो कवर करना हुआ ट्रेन को वो कितना हुआ, 125 प्लस 625, इतना हुआ कि नहीं हुआ, अगर इतना हुआ तो आप जोर से ताली बजाइएगा, आपको समझ में आ गया भाई, वो अपनी भी लेंथ को क्रॉस करेगा प्लेटफार्म से, प्लस प्लेटफार्म की लेंथ तो है ही है, तो टोटल लेंथ या टोटल डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन कितना हो जाएगा बेटा, समझदार के लिए इशारा, 125 प्लस 625 कितना हो जाएगा, जोड़िएगा 750 मीटर हो गया ना। अब आपके पास डिस्टेंस है, स्पीड है, टाइम निकालना है, ध्यान से समझना, तो डिस्टेंस अब स्पीड, हमें निकालना टाइम टेकन टू कवर 750 मीटर डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 750/750 हो जाएगा बेटा, लगेगा कितना, 1 मिनट, तो टाइम लगेगा 1 मिनट, 1 मिनट में उस क्या करेगा, 750 मीटर लंबी ट्रेन को खट से वो क्रॉस कर जाएगा। आप समझिएगा दिल से, जो सब चीज समझ में ना आए तो याद रखिएगा, आपको कोई चीजें समझ में नहीं आई ईमानदारी से समझिएगा, बस इतना ध्यान दीजिएगा कि भाई ट्रेन है तो वो 125 मीटर ये लेंथ इसकी लंबाई है और प्लस 625 मीटर प्लेटफार्म है, अब ये दोनों डिस्टेंस मिला के जितनी आएगी वही टोटल डिस्टेंस कवर करना है किसको, ट्रेन को, याद रखिएगा ये हमारी ट्रेन है
और ये हमारा प्लेटफॉर्म है, इसकी लंबाई है कितना 625 मीटर और इसकी लंबाई कितना है ट्रेन की 125 मीटर। अब डिस्टेंस तो ये पूरा कवर कर रहा होगा ना, उसको यहां से लेके यहां तक पूरा इस तरफ जाएगी तभी वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा। तो ये बातें समझ में आ रही होंगी, अगर समझ में आ गया तो क्लैप कर लीजिएगा। और मजा यही है जिंदगी का, क्योंकि तो मेहनत करने वाले कभी परेशान नहीं होते हैं। याद रखिएगा मैंने 13 कराया आपको, एक क्वेश्चन और कराने की कोशिश करता हूं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन कोई फिर फर्क नहीं, आपके लिए सब कुछ हाजिर है, सब कुछ आपके लिए है। आप अगर कोशिश करेंगे तो हम सब कुछ करने को तैयार हैं। बस इतना ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पढ़ना है। यू ऑल आर वी कंसंट्रेट माय डियर, स्कूल आपका इतना अच्छा आपको प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया है कि आपके टीचर इस तरीके से वीडियो बना रहे हैं, इस तरीके से ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, वो सारी सुविधाएं आपको प्रदान कर रहे हैं। आप अगर चाहते हैं पढ़ना और ईमानदारी से पढ़ना चाहते हैं तो आप अपने टीचर का वीडियो देखिए, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, आपके पास खुद ही इतने योग्य योग्य टीचर हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मैनेजमेंट ही खुद इतना अच्छा है, हमारा स्कूल का मैनेजमेंट इतना अच्छा है, जिसकी वजह से हम सब लोग मिल करके एक अच्छे स्टूडेंट का निर्माण कर रहे हैं, जिससे एक नए भारत का निर्माण होने जा रहा है। कोशिश करिएगा पढ़ाई करने की, और पढ़ेंगे तभी आगे कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज कुछ नहीं है बेटा, पढ़ाई के अलावा इस संसार में कुछ आगे है नहीं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। टू ट्रेन्स 350 मीटर एंड 250 मीटर लॉन्ग आर गोइंग एट 42 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर। ध्यान से देखिएगा बेटा, अब स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन कितनी है 42 किलोमीटर। ध्यान से देखिएगा, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन है 42 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन बढ़िया है बेटा, कॉम्पिटिशन्स में भी आते हैं। और स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन, स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन कितनी है 35 किलोमीटर पर आवर। समझिएगा बात को, तभी तो मजा आएगा। सॉरी 30 किलोमीटर है बेटा, सॉरी 30 किलोमीटर पर आवर है। अब कह रहा है, अब देखो बेटा एक कहानी बताना होगा कि हमको निकालना पड़ेगा डिफरेंस इन स्पीड में, डिफरेंस इन स्पीड। अभी मैं पूरी कहानी बताता हूं। इक्वल टू हो जाएगा 42 माइनस 30 इक्वल टू 12 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस आया। अच्छा टोटल डिस्टेंस क्या होगी बेटा, अभी मैं बात कर रहा हूं, टोटल डिस्टेंस क्या होगी जो कवर की जाएगी एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए। पहली ट्रेन की लेंथ कितनी है 350 मीटर ना, और दूसरे की कितनी है 250 मीटर। अब देखो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 600 मीटर। ध्यान से सुनो ऐसा क्यों, जब बेटा ट्रेन एक दूसरे के क्या होता है, यहां पर दिया है अ ट्रेन 350 गोइंग एट इतना आवर्स रिस्पेक्टिवली अपोजिट डायरेक्शन का मतलब समझ रहे हैं। एक ट्रेन इधर जा रही है तो एक ट्रेन इधर जा रही है, समझिएगा। अब क्यों हम स्पीड को, इसको डिस्टेंस को, यानी कि टोटल ट्रेन की लेंथ जो है उसको ऐड करके डिस्टेंस बना दे रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, है ना, तो और उनके बीच का जो डिफरेंस होगा स्पीड का डिफरेंस वही होगा। व्हेन ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन देन द रिजल्टेंट स्पीड। अब जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो क्या होगा, अच्छा सॉरी बेटा हम ये डिफरेंस डायरेक्शन में होंगे तो स्पीड ऐड हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 72 किलोमीटर पर आवर। और जब डिस्टेंस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, टोटल ट्रेन की लंबाई को हम ऐड कर लेंगे, टू ट्रेन्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन द
देन द स्पीड इज टेकन एज द सम ऑफ द स्पीड. जब अपोजिट डायरेक्शन एक इधर जाए और एक इधर आए तो ऐसी कंडीशन में दोनों की स्पीड को ऐड कर लिया जाता है ना. तो यहां लिखते हैं टोटल स्पीड, सॉरी टोटल स्पीड. याद रखिएगा जब डिफरेंट डायरेक्शन में एक इस साइड जाए और एक इस साइड जाए, ऐसी कंडीशन में इसकी भी स्पीड और इसकी भी स्पीड दोनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल स्पीड आपको पता चल जाएगी. तो क्या चल जाएगी, टोटल स्पीड आपको पता चल जाएगी कितनी स्पीड से ट्रेन जा रही है. जब अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, जब ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा, और जब सेम डायरेक्शन में जाती है तब स्पीड डिफरेंस हो जाती है. वो आगे एक क्वेश्चन और करा देंगे हम इसका, तो इसको समझिएगा. और ऐसी कंडीशन में टोटल डिस्टेंस की जब बात करेंगे तो बेटा क्या होगा, टोटल डिस्टेंस तो इसमें डिस्टेंस टोटल ऐड हो जाएगी, ऐड हो जाएगी. तो जो दोनों ट्रेन की लंबाई है उन दोनों को ऐड कर लेना, टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगा. है अगर जैसे ये पता चल गया, अब आपको जानते हो ये हमारा मीटर में है, इसको हम किलोमीटर में कर ले तो ज्यादा अच्छा है, या ये किलोमीटर पर आवर में है इसको मीटर में कन्वर्ट कर ले. अच्छा तो ये होगा कि इसको हम किलोमीटर में कर ले. तो यहां पर लिख ले डिस्टेंस इन किलोमीटर, क्योंकि स्पीड हमारे पास किलोमीटर में है. देखो अब चाहे स्पीड को हम चेंज कर ले मीटर पर मिनट में, या डिस्टेंस को कवर कर ले किलोमीटर में. तो डिस्टेंस इन किलोमीटर, आप जानते हैं एक किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, डिवाइड कर दो इसको, आ जाएगा कितना 6/10 किलोमीटर, या इसको कह सकते हैं 2, 3 जा 6, 2, 5 जा 10, 3/5 किलोमीटर आ गई हमारी क्या डिस्टेंस, 3/5 किलोमीटर क्या आ गई डिस्टेंस आ गई बेटा, है ना. तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम बताना है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. हमने प्रीवियस वीडियो में इसकी सबकी चर्चा किया है. तो डिस्टेंस आपकी कितनी है 3/5 डिवाइड, अपॉन का मतलब डिवाइड, कितना 72 डिवाइड है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 3/5 × 1/20 और सॉरी कितना 72 3 × 1 = 3, 3 × 24 = 1. अब आपको पता चलेगा कि 1/24 = 120 क्या टाइम लगा, इतना मिनट लगा, क्या लगा 1/120 मिनट लगा, है ना, कितना लगा 1/120 मिनट मिला. अब 1 आवर में कितना, ये आवर मिनट है, सॉरी स्पीड किलोमीटर पर आवर में थी, ये इतना आवर है. तो 1 आवर इक्वल टू कितना होता है बेटा, 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड होते हैं ना. तो 1/120 आवर में कितने हो जाएंगे, 1/120 × 3600 = 0 12 × 3 = 36 12 × 0 = 0 आ जाएगा हमारा कितना 30 सेकेंड में प्लेटफार्म को, या दोनों ट्रेन आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी. आप समझ रहे होंगे, इसको समझते जाइएगा अच्छा लगेगा आपको. एक क्वेश्चन और कराऊंगा किसका, अब आप समझ गए होंगे. ये तो अपोजिट डायरेक्शन का था, जब हम सेम डायरेक्शन में जाएंगे, याद रखिएगा बेटा, फिर से मैं आपको एक चर्चा करके बता दे रहा हूं, भले टाइम वीडियो कितना भी लंबा हो जाए इसकी चिंता आप बिल्कुल मत करिएगा. आप चिंता सिर्फ ये करिएगा कि मुझे समझ में कितना आ रहा है. एक ट्रेन अगर इधर जाएगी और एक ट्रेन इधर से आएगी, वो इस साइड चल रही है, वो इस साइड चल रही है, तो इसकी जितनी लेंथ होगी, मान लीजिए इसकी लेंथ थी 350 मीटर और इसकी लेंथ थी 250 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेन आपस में कवर करेगी वो 350 + 250 हो जाएगी. ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी हमारी 600 मीटर. ध्यान से समझिएगा, अगर इसकी स्पीड दिया है 42 और इसकी स्पीड दिया है 30,
ध्यान से रखिएगा, जब हम डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे तो उस कंडीशन में हमारी स्पीड ऐड हो जाएगी, आ जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? जब हम डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे तब की बात है, और जब हम सेम डायरेक्शन में जाएंगे उस कंडीशन में क्या होगा बेटा, कि दोनों की स्पीड आपस में माइनस हो जाएगी, लेकिन डिस्टेंस हमेशा प्लस होगी। इसको नोट कर लेंगे, आपको समझ में आ रहा होगा, समझिएगा अच्छे से ईमानदारी से और नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, और जैसे ही आपको समझ में आए आप तुरंत शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के पास, देखिए मेरे पास एक ऐसा टीचर है जो इस तरीके से भी पढ़ाता है, आप कोशिश करिएगा समझने की, आपको समझ में आ जाए तो बहुत ही अच्छा है, यही तो मेरा प्रसाद है बच्चे का। ग्राहक की संतुष्टि ही दुकानदार का फल है। मैं कोई दुकानदार नहीं, मैं टीचर हूं, और मेरे लिए हर बच्चा एक जैसा है, चाहे वो कहीं का भी हो, कोई भी हो, अगर वो मेरे वीडियो से पढ़ के कोई फायदा पा रहा है तो समझ लीजिए कि मुझे उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्यार मिल रहा है। देखिए, टू ट्रेंस 250 मीटर लॉन्ग एंड 350 मीटर लॉन्ग। अब आपको याद रखना होगा, जब ट्रेन यहां पर दिया हुआ है, द लॉन्गर ट्रेन बिहाइंड द शॉर्टर ट्रेन हाउ लॉन्ग वुड कवर, सेम डायरेक्शन की बात कर रहा है। When सेम डायरेक्शन, When ट्रेन मूविंग सेम डायरेक्शन, ट्रेन मूविंग सेम डायरेक्शन डायरेक्शन, तो स्पीड क्या होती है, स्पीड सब्ट्रैक्ट होती है, क्या होती है सब्ट्रैक्ट, और डिस्टेंस जो सॉरी लेंथ ऑफ ट्रेन ऐड हो जाती है। ये पहले भी ऐड होती थी जब अपोजिट में जाएंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन ऐड हो जाएंगे, क्लियर। अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें जो ट्रेन कवर करेगी वो कितनी होगी, पहली ट्रेन कितनी लेंथ है उसकी 250 मीटर और दूसरी ट्रेन की 350 मीटर, बात समझ में आया, तो दोनों को ऐड कर लिया तो टोटल डिस्टेंस आ गई 600 मीटर। आ गया, बताने की कोई जरूरत है ही नहीं, समझदार के लिए इशारा काफी होता है, पढ़े लिखे के लिए सहारा काफी होता है। तो अब पहले की स्पीड क्या थी, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, फर्स्ट ट्रेन बेटा ये दिया है कितना 30 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन कितना दिया है, स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन देख लीजिएगा दिया होगा 36 किलोमीटर पर आवर दिया है। अब निकाल लीजिए डिफरेंस इन स्पीड, क्योंकि दोनों क्या हो रही है, एक ऐसे चल रही है एक ऐसे चल रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, थोड़ा लेट चलेगी थोड़ा देर में जल्दी चलेगी, तो डिफरेंस इन स्पीड क्या हो जाएगा, ज्यादा में से कम माइनस होगा, यस 6 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर मिनट में चेंज करेंगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर यानी 6 × 1000, और 1 घंटे में 60 मिनट यानी 60, सेकेंड में चेंज कर लेंगे तो सेकेंड इंटू सेकेंड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्पीड इन मीटर पर सेकेंड लिख लीजिएगा। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 6 से 6 कट गया, बचा क्या 10/6, मतलब हमारा क्या हुआ 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, 5/3 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई स्पीड आ गई है। मुस्कुराते रहो, कहोगे सोच रहे होगे कि क्या गजब का टीचर मिला है यार, हम लोग क्लास में नहीं होते तब भी उसी तरीके से पढ़ाया जैसे क्लास में पढ़ा रहा हूं, क्लियर। आप अगर पढ़ेंगे तो हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। अब हमें टाइम निकालना है, टाइम टू पास ईच अदर, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो उसको कहते हैं पास ईच, EACH, ईच अदर इक्वल टू हो जाएगा क्या, डिस्टेंस अपान स्पीड, डिस्टेंस अपान स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड,
बेटा डिस्टेंस कितना है 600 अपान 5 अपान 3 हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाने का 600 अपान इंटू 3 अपान 5, ये क्या आया बेटा 5, 1 जा 5 2 जा 10 यानी कि ये आया 12 यानी 36, 360 सेकेंड आया, 360 सेकेंड आया। और आपको पता है कि 60 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट, तो 360 सेकेंड इक्वल टू क्या आ जाएगा 360 अपॉन 60, कट गया आ गया भाई 6 मिनट, तो 6 मिनट में दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। बात समझ में आई? आ गई तो क्लैप करो, क्लैप करो, मजा आएगी और मुझे भी बहुत इंटरेस्ट आ रहा है आज क्लास लेने में। आप ईमानदारी से पढ़ेंगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है ना। इसका इसके पहले वाला 30 सेकंड था, क्लियर। इसके पहले वाले में क्या था उसको देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, हो सकता है उसमें कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई हो तो उसको देख लीजिएगा और आप ईमानदारी से करिएगा बेटा। इस तरीके से ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आप होप आपको ये वीडियो समझ में आ भी रहा होगा बहुत अच्छी तरीके से। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको ये समझाने की, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के पास, देखिए हमारे पास एक ऐसा टीचर है जो इस तरीके से भी पढ़ाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।